अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके होस्ट महनूर। तो जी फ्रेंड, आज मेरी तरफ से सेवंथ इफ्तार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आज जो है ना, आप इफ्तारी बनाने लगे हैं। आज मैंने बनाने लगी हूं आलू मटर और साथ बनाएंगे पकोड़े। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, और सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला न्यू ब्लॉग रेसिपी आप तक आसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं किचन में। सब्ज़ी जो मैंने बना ली थी तो अब मैंने ऊपर रख दी है। अब दिखाते हैं आपको जो आज की इफ्तारी है वो किस तरह से बनेंगे। फ्रेंड, आलू मटर जो है ना हमने बनाने हैं आज, देख सकते हैं। आलू मटर जो मैंने डाल दिए हैं, मसाला वगैरह हर चीज़ इसको अच्छे से हरा लें। एक किलो हमारे आलू हैं और किलो ही हमारे जो है ना मटर। इसको रख दें। आज थोड़ी जो है मैंने लाइट सी कर दी है, ये देखें। अब हम बना रहे हैं पकोड़ों का सामान। इसमें हमने काटे हैं बारीक बारीक आलू, साथ हैं प्याज, साथ हमने मंगवाया है अनारदाना और बेसन। ठीक है, अब इसको मटेरियल को तैयार करते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूज, अब हम इसमें डालेंगे अनारदाना। हसपे जरूरत हम मिर्च जितनी आप यूज़ करते हैं जिस हिसाब से आप खाते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो भी आपकी मर्जी। हसपे जरूरत नमक, ये होगी हमारी आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर जो है ना। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं जो आपको दिखाए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स आउट कर लेंगे। तो जी फिर अब इसमें काटेंगे हम हरा धनिया। ठीक है, हमारी मिर्च थोड़ी कम थी, हमने अपने हिसाब से और डाल दी। आप भी डाल सकते हैं इस तरह से। जी फिर अब हमने जो है ना अच्छी तरह से मटेरियल मिक्स कर लिया, पानी डाल के। अब भी इस तरह से बनाने हैं पकौड़े, बड़े बड़े आलू इसमें मज़े के डालते हैं। इसमें हमने बड़े बड़े आलू डाले हैं क्योंकि जो है ना मज़े के बनते हैं इससे। ठीक हो, अब बनते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड, अब जो है ना हम अपने चेक करने लगे हैं आलू मटर जो कि हमने रखे हैं। ये देखें, धुआं नहीं कर रहा। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो आलू हैं मटर गल गए हैं कि नहीं। मटर हमारे हो चुके हैं, आलू भी आपको दिखा दें। थोड़े से बस और इसकी बनाई करनी है और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है पानी। ठीक है जी, फिर अच्छी तरह से इसकी हमने कर ली है बुनाई। अब हम इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करते हैं। ठीक है, हम लोग चार पांच लोग हैं, हम उस हिसाब से भी जो है ना पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने भी अपने हिसाब से पानी ऐड कर देना। अब हम इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, ताकि शोरबे वाले बनाने हैं शोरबे वाले बना लें, सरगले टाइप बनाए हैं तो रोटी से खाने के लिए तो वो बना लें। ठीक है, तो चीज़ में अब हम बना लेंगे हैं पकौड़े।
कढ़ाई हमने ऊपर रख दी है, इसमें थोड़ा पानी चला दिया, इसमें कुकुमार जी। फिर अब जो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, फिर अब हमने पकौड़े डाल दिए हैं, अब हम इसके साइड से है ना चेंज करते जाएंगे। जी फिर अब हमने इनके साइड से है ना चेंज कर दिए, जो भी हमने नींबू डाले हैं उनकी साइड कर देते हैं चेंज। फिर अब हम निकालने लगे हैं, अब फिर दूसरा पोर डाल दिया, ये भी बन के हमारा तैयार होने वाला है। फैन क्या हो गया, खुला लगा रहो जो। अब हमने रख लिए हैं माल्टे, साथ हमारे जो हैं पकोड़े और हमारी खजूरें। ये हमारी रोटी है, टेढ़ी बनी है थोड़ी यहाँ से। इसको अब हम करते हैं, सेकते हैं, फिर आप मिलते हैं। तो जी फ्रेंड अब ना हमारा रोज़ा खुल चुका है, जमिल कोरा रोज़ा, ये देखें। अब हम भी रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा आज की इफ्तारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।